हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय सेल्फ पंकज द्विवेदी। लेट्स स्टार्ट क्लास 6 एंड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 6 डेसिमल नंबर। एंड टुडेस टॉपिक इज यूज ऑफ डेसिमल। डेसिमल का हम यूज कहां करेंगे और कैसे करेंगे, कब करेंगे, इसके लिए आज हम स्टडी करेंगे। चलो, डेसिमल का यूज हम करते हैं किसी भी क्वांटिटी के यूनिट के रूप में। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट आता है टॉपिक हम पढ़ेंगे मेजरमेंट। देखो, मेजरमेंट तो एक साइंस का चैप्टर है। मेजरमेंट एक साइंस की टॉपिक है, बट मेजरमेंट साइंस और मैथ रिलेटेड टू ईच अदर। साइंस एंड मैथ बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो मेजरमेंट के लिए मेजरमेंट होगा क्या? मेजरमेंट मींस आई हैव टू क्वांटिटी, फर्स्ट इज नोन, सेकंड इज अननोन। तो वी कंपेयर नोन क्वांटिटी टू अननोन। इट मींस हम नोन क्वांटिटी की कंपैरिजन अगर अननोन क्वांटिटी से कर ले तब वो मेजरमेंट होता है। ओके, नोन क्वांटिटी एंड अननोन क्वांटिटी। सपोज दैट आपको दूध लेना है और दूध वाले से दूध लेना है। दूध वाले के ड्रम में कितना दूध है आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, दैट मींस अननोन क्वांटिटी। लेकिन अगर दूध वाले से मुझे 1 लीटर या 2 लीटर दूध लेना है, 2 लीटर दूध लेना है, तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे भैया 2 लीटर दूध दे दीजिए। तो करेगा क्या, वो लीटर निकालेगा और लीटर से 2 टाइम्स मेजरमेंट करके हमारे पैन में 2 टाइम्स डाल देगा, 2 लीटर हो जाएगा। लेकिन उस ड्यूरेशन में हम वॉच क्या कर रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे? उस टाइम हम ये देख रहे होंगे कि जिस पॉट से, जिस बर्तन से वो मेजरमेंट कर रहा है, क्या वो 1 लीटर का है? अगर है तो 2 टाइम्स कर देगा, 2 लीटर हो गया। 3 टाइम्स करेगा, 3 लीटर हो गया। इट मीन्स ड्रम में दूध कितना था, अननोन क्वांटिटी, और कितनी टाइम्स उसने मेजरमेंट किया, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, और किससे मेजरमेंट किया, जिससे मेजरमेंट किया वो पॉट 1 लीटर का है। तो एक तो नॉन क्वांटिटी हो गई और एक अननोन क्वांटिटी हो गई, उसी की कंपैरिजन को मेजरमेंट कहते हैं। अब मेजरमेंट के लिए नॉन क्वांटिटी, इसका मतलब नॉन क्वांटिटी कंपेयर नॉन क्वांटिटी टू अननोन क्वांटिटी, नॉन टू अननोन, नॉन से अननोन की तुलना करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप वेजिटेबल सब्जी लेने जाते हो, सब्जी वाले के पास पहुंचे और उसके पास आलू बहुत से पोटेटो बहुत ढेर सारा रखा हुआ है, लेकिन आपने कहा मुझे 2 केजी पोटेटो दे दीजिए, तो क्या करेगा वो? तरह वो पॉलिथीन में 2 केजी पोटेटो डालेगा और किस तरह रखेगा, तराजू पे रखेगा, एक तरफ किलोग्राम रख देगा, कितना किलोग्राम रखेगा, 2 किलोग्राम। अब उसने लिखा होगा 2 केजी, तभी हम मानेंगे कि हाँ 2 किलो हुआ, अदरवाइज नहीं मानेंगे। ठीक, वैसे मान लेंगे। ठीक, तो एक तरफ नॉन क्वांटिटी होगी, एक तरफ नॉन क्वांटिटी होगी, उसी की मेजरमेंट को, उसी की कंपैरिजन को क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। अब मेजरमेंट के लिए जरूरी क्या होती है? मेजरमेंट के लिए जरूरी होती है मैग्नीट्यूड। मेजरमेंट के लिए जरूरी होती है मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई यूनिट। दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड मीन्स नंबर और यूनिट मीन्स यूनिट हो जाएगी। सपोज दैट मुझे 5 लिख दिया, अब किसी का मेजरमेंट किसने किया, नहीं किया, तो किसका मेजरमेंट किया? अब बोलो किसका मेजरमेंट किया? यस, 5 केजी मास। अगर 5 सेकेंड लिख दें तो टाइम 5 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दें तो टेम्परेचर, 5 लीटर लिख दें तो वॉल्यूम। यहां पर क्या है, ये तो आपका मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, यूनिट। ये मैग्नीट्यूड, ये यूनिट, ये मैग्नीट्यूड, ये यूनिट, ये मैग्नीट्यूड, ये यूनिट। देयरफॉर कभी भी मेजरमेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों जरूरी होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ डेसिमल। डेसिमल का यूज कहां करेंगे? डेसिमल का यूज, अब 5 मीटर, मीटर क्या होता है, 5 मीटर ठीक है सर, होता है लेंथ। ओके, तो लेंथ का मेजरमेंट कौन करता है, मीटर। वॉल्यूम का मेजरमेंट, मीटर। टेम्परेचर का मेजरमेंट, डिग्री सेंटीग्रेड। टाइम का मेजरमेंट, सेकेंड। मास का मेजरमेंट, किलोग्राम। तो दीज आर यूनिट। इस यूनिट को हम इससे छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी बड़े यूनिट को
छोटे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल की आवश्यकता होगी। ओके, फॉर एग्जांपल करेंसी, यूनिट ऑफ करेंसी, यूनिट ऑफ करेंसी, यूनिट ऑफ करेंसी इज इक्वल टू रुपीज, और पैसे भी होते हैं, ऐसा भी होता है, रुपीज भी होता है और पैसा भी होता है, तो देयर आर टू यूनिट ऑफ करेंसी, रुपीज होगा तो उससे पैसा होगा, तो रुपीज बड़ा होता है पैसा छोटा होता है, वन रुपीज इज इक्वल टू हंड्रेड पैसे, इट इज क्लियर, क्लियर। तो अब यूज आर डेसिमल टू क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स, फर्स्ट क्वांटिटी नेम इज मास, क्या है मास, मास की जो यूनिट होती है वो टन होती है, क्विंटल होती है, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, इतनी सारी यूनिट होती है, बट आपको सिक्स क्लास में जो यूज करना है वो मात्र ही यूनिट यूज करना है, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, टन और क्विंटल का यूज नहीं है, बट उसको जानना चाहिए। नेक्स्ट यूनिट इज लेंथ, लेंथ की जो यूनिट होगी किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और भी होती है, इंच, इंच भी होती है, फीट भी होती है। कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब जब किसी लिक्विड को मेजरमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर को, वाटर को कैपेसिटी, वाटर को मेजरमेंट करना है, ऑयल को मेजरमेंट करना है, मिल्क को मेजरमेंट करना है, इट मींस किसी लिक्विड का मेजरमेंट करना होता है तो जिस पॉट में मेजरमेंट करते हैं वो या तो लीटर में होगा या मिलीलीटर में होगा या किलोलीटर, अगर कैपेसिटी यूनिट इज किलोलीटर, लीटर, मिलीलीटर। एंड लास्ट टाइम, द यूनिट ऑफ टाइम, टाइम सेकेंड, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, मिनट, आवर, डे, ईयर एक्सेट्रा। मनी, करेंसी, यूनिट ऑफ करेंसी, यूनिट ऑफ करेंसी, यूनिट ऑफ करेंसी इज पैसा और रुपीज, इन इंडिया, इंडिया में मनी की जो यूनिट होती है, इट मींस करेंसी की जो यूनिट होती है या तो रुपीज में होता है या पैसा होता है। ओके, तो ये आपको टेबल नोट करना है, इसके साथ ले लेंगे, फिर हम एक ही करके बताएंगे मास, सबसे पहले मास के बारे में चर्चा करेंगे। मास की जो छोटी सबसे यूनिट होती है वो मिलीग्राम होती है, क्या होती है मिलीग्राम, इससे बड़ी यूनिट ग्राम, इससे बड़ी यूनिट किलोग्राम, इससे बड़ी यूनिट क्विंटल, इससे बड़ा यूनिट टन, तो वन टन इज इक्वल टू हंड्रेड, वन टन इज इक्वल टू टेन क्विंटल, बन जाएगा, इट मीन्स वन के बाद सिक्स टाइम जीरो,
भी याद रखिए, जब भी बड़ी यूनिट को छोटा बनाना हो, बड़ी यूनिट को छोटा बनाना हो तो मल्टीप्लाई करिए, लेकिन जब छोटी यूनिट को बड़ा बनाना होता है, छोटी यूनिट को बड़ा यूनिट में चेंज करना होता है तो हम डिवाइड करते हैं। ओके, देयरफॉर यूनिट ऑफ मास इज कंप्लीट। नेक्स्ट इसके बाद जो आएगा यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ की बात करें, लेंथ की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है, एसआई है, बट वैसे क्या होता है मीटर, लेंथ की यूनिट किलोमीटर भी होता है, मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, मिलीमीटर भी होता है। ओके, मिलीमीटर भी होता है, इंच भी होता है, फीट भी होता है। तो एक किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर में 10 mm मिलीमीटर। ओके, एंड लास्ट फीट भी होता है, 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच। अगर मुझे मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना हो, 1 mm, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 100 × 10 इज इक्वल टू 1000 mm। Therefore, unit of length is complete, unit of mass is complete, capacity. Capacity means the measurement of a liquid. The measurement of a liquid. जब किसी liquid का measurement करना होता है तो मैं meter में measurement कर सकता हूँ, milliliter में measurement कर सकता हूँ, kiloliter में measurement कर सकता हूँ। Okay. Capacity. इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो लीटर होती है। ओके, 1 किलोलीटर के स्मॉल में है यहां पर, 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर हो जाएगा एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा। तो किलोलीटर को लीटर में बनाया, लीटर को मिलीलीटर में बना दिया, ये हो गया। नेक्स्ट कैपेसिटी, यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का जो एसआई यूनिट होता है वो सेकेंड, बट टाइम पर डे होता है, 1 डे इज इक्वल टू 365, 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज एंड 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर एंड 1 आवर इज इक्वल टू 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये ओके, ये भी आपका टाइम हो गया। अब रही बात मनी, यूनिट ऑफ मनी, अब मनी का जो करेंसी होता है वो रुपीज होता है और पैसे, 1 रुपीज के कितने पैसे होंगे, 100 पैसे, 1 रुपीज में कितने पैसे होंगे, 100 पैसे। अब ये कंप्लीट हो, चलो, जब किसी बड़ी यूनिट को छोटा बनाना होता है तो सॉरी हम मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कितने से घंटे होते हैं। अगर मैं पूछ लू, फॉर एग्जाम्पल, जब भी बड़ी यूनिट को छोटा यूनिट बनाना है, इट मीन्स देन वी मल्टीप्लाई, फॉर एग्जाम्पल
एग्जांपल हूं, मैं पूछूं 1 kg, 2 kg, 2.5 kg में कितने ग्राम होंगे बताना है, हाउ मेनी ग्राम्स। देखिए सबसे पहले इसको हम 2 kg, 2.5 इसको 2 + 1/2 ये केजी बना, इट मींस 2 kg + 1/2 kg। ओके अब 2 केजी में कितने ग्राम होंगे बोलो, हाउ मेनी ग्राम्स इन 2 किलोग्राम्स, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, देन 2 किलोग्राम इज इक्वल टू 2000 ग्राम, मल्टीप्लाई है 1000 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 1000, रीजन 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देयरफॉर ये चीज हो गया क्या हो गया 2000, और ये क्या हो जाएगा 2 × 2 = 500, इट मींस 500 हो गया। अब हम इसको क्या लिखेंगे 2500 ग्राम, चेंज हो गया 2500 ग्राम। अब इसको अगर मुझे किलोग्राम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, मैं क्या करूंगा, ये हो गया एग्जाम्पल, हो गया एग्जाम्पल, नेक्स्ट मल्टीप्लाई किया, हमने छोटे को बड़ा बनाया तो क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और ये कर देते हैं 1 किलोमीटर सॉरी 3 by 4 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, कितना मीटर होगा, चलो 3 by 4 इज इक्वल टू 3 किलोमीटर प्लस 3 by 4 किलोमीटर इज इक्वल टू 3, 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर से बढ़ 1000 मीटर, 1000 कर दिया प्लस 3 by 4 मल्टीप्लाई 1000, ये हो जाएगा 3000, ये होगा 4 × 4 = 250, 250 × 3 = 750, इट मींस 3750 ये ग्राम हो गया। ओके ये ग्राम हो गया 2 rupees, रुपीज कैसे, अब इसको डेसिमल में चेंज करना, इस रुपीज को पैसे बनाना, इस रुपीज को पैसे बनाना, हाउ मेनी पैसे इन रुपीज, 2 × 100 पैसे, 2 रुपए में 100 पैसे हो जाएंगे, और प्लस 25 इज इक्वल टू 200 + 25 इज इक्वल टू 225 पैसे। यह बड़े को छोटा बना रहा, बड़े लोगों को छोटा करूंगा तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 1 rupees = 100 पैसे, इसे 100 से मल्टीप्लाई किया इसको, अब इसको 100 से क्यों नहीं किया, ऑलरेडी पैसा है, अब पैसे को पैसे में चेंज करना नहीं, 20 को पैसे में चेंज करना, उसको कर दिया। ओके ओके, इफ स्मॉलेस्ट यूनिट चेंज इनटू डिविजन, छोटे यूनिट को बड़े में चेंज करना है तो हम डिवाइड करेंगे, अगर छोटे यूनिट को बड़े में चेंज करना है तो डिवाइड करेंगे, इफ बिगेस्ट यूनिट चेंज इनटू स्मॉलेस्ट, बड़े को छोटा बनाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो रिलेशन होना चाहिए, उसके रिलेशन आपको आना चाहिए, सपोज दैट 28 rupees 6 paise, 28 rupees 6 paise को मुझे चेंज करना है बड़ी यूनिट में, प्लीज रुपीज में चेंज करना है। ओके तो रुपीज तो रुपीज में है, तो कुछ नहीं होगा, हाँ पैसा छोटा ही यूनिट है, पैसा जो होता है छोटा होता है रुपए से, होता ही नहीं होता है, पैसा इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रुपीज, दैट रुपीज, तो हम कहते हैं पैसा रुपए से छोटा होता है, तो इसे भी रुपए में ही बनाना है, कैसे बनाएंगे, 28 तो ऐसे ही लिख दो, प्लस क्योंकि रुपए में आएंगे और रुपीज में ही कन्वर्ट करना है तो 28 पैसे है, बट 6 पैसे को देखो, हाउ मेनी पैसा इन रुपीज, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, तो इस पैसे को रुपए बनाने के लिए 100 से डिवाइड कर दो, क्योंकि यहां पर लिख दिया लेकिन अदर में डिवाइड, हम डिवाइड करेंगे किससे डिवाइड करेंगे, ये रिलेशन बताएगा पैसा रुपए में, 28 रुपीज 6 पैसे को मुझे पैसे बनाने हैं,
रुपीज बनाने 28.06 रुपीज को रुपीज बनाने, तो यार ये रुपीज है, इसको डोंट टच, इसको नहीं टच करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, बट ये जो 6 पैसा है इसे रुपए में डिवाइड करना है, तो 6 पैसे को रुपए बनाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, रीजन क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे, 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे, देन 6 अपॉन 100, देयरफॉर इसको अगर ऐड किया जाए तो मुझे मिलेगा 28 प्लस 0.06, क्योंकि दो जीरो कैंसिल करेंगे तो जीरो के बाद इसमें लगेगा, तो बोलो क्या नहीं क्या है, ये होल नंबर थे, ये भी होल नंबर 28 0 28 हो जाएगा जीरो, 28.06 इतना रुपये हो जाएगा। अब चलो नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, ये आपका पैसा बिगेस्ट यूनिट चेंज इन सलेशन, ये रुपये से इसी पैसे में चेंज करना, तो पैसा हमने कितना, सॉरी रुपये कितना है, ये रुपीज लिखा हुआ है और ये पैसा लिखा हुआ है, तो रुपीज 17.25, इसका मतलब होता है जो डेसिमल के पहले वो तो रुपए है और डेसिमल के जस्ट बाद वाला जो है ना वो उससे छोटा ही होगा, इट मींस ये लिखा है 17 रुपीज प्लस 25 पैसे। अब देखो इसे ये रुपीज है, इसे पैसा लिखा है, एक रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपीज इक्वल टू हाउ मेनी पैसे, 100 पैसे, इट मींस इसे 100 पैसे हो जाएंगे और प्लस ये 25 पैसे है, देयरफॉर 1725 पैसे, ओके 1725 पैसे। तो देखो यहां मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, यहां मैंने क्या किया मल्टीप्लाई, तो 7 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस रुपीज को नीचे की तरफ रखना, पैसा तो आगे के पैसे नहीं है, ओके 6 mm चेंज इन सेंटीमीटर, बोथ आर यूनिट, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर बोथ आर यूनिट ऑफ लेंथ, बट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज मिलीमीटर एंड बिगेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर इज इक्वल टू 10, 10 का होता है इसके रूलर आपने देखा होगा सेंटीमीटर के बीच में 10 टाइम्स होते हैं, इट मींस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm होता है, 10 मिलीमीटर होता है, इट मींस 10 का रिलेशन होता है, अब इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर बनाना है, मिलीमीटर छोटा यूनिट है, सेंटीमीटर बड़ा यूनिट है, इट मींस इस 6 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0.6 आ जाएगा, देयरफॉर आंसर आपको मिल जाएगा 0.6, डेसिमल का यूज हो गया कि नहीं हो गया, तो ये छोटी यूनिट थी बड़ा हो गया, छोटी को बड़ा होना क्या किया मैंने डिवाइड किया, अब देखो ये बड़ा यूनिट से छोटा बना, सेंटीमीटर इज द बिगेस्ट यूनिट चेंज इनटू मिलीमीटर, मिलीमीटर इज स्मॉलेस्ट यूनिट, What is the relation between centimeter and millimeter? 10. Okay. So 10 centimeter. आप लिखेंगे since 1 centimeter is equal to 10 mm, therefore 17 centimeter is equal to 170 mm. Okay. 170. Okay. Now अगर videos पसंद आते हैं. हेलो स्टूडेंट्स, अगर वीडियोस हमारे पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, लास्ट तक वीडियोस देखें।